तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो सांसद हैं वो शपथ ले रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, कुमार गौरव जुड़े हुए हैं, साथ ही ऋषिकेश भी जुड़े हैं। संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास और 2024 मुझे लगता है ऐसे भी बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर के लिए चुनाव होगा और कुछ ही देर में प्रक्रिया भी हो जाएगी। जानना ये चाहेंगे संजीव, कैसे होगा, क्या कागजी प्रक्रिया से होगा या यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होगा, क्योंकि कई ऐसे सांसद हैं जिनके अभी सीट को भी नहीं तय किया गया, तो किस तरह से प्रक्रिया होगी? आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का दिन यकीनन बहुत ही यादगार होने जा रहा है। आज के दिन आप कई ऐसी चीज़ें देखेंगी जो कि फर्स्ट टाइम हो रही हैं, सर्वप्रथम हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 46 सालों में पहली दफ़ा आप देखेंगी कि स्पीकर के पद मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। राजनाथ सिंह को सेकंड मोशन। महोदय, आपकी अनुमति से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री राजीव रंजन सिंह अलाइस लालन सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा के माननीय सदस्य हैं इस सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। डॉक्टर राजकुमार सांगवान टू सेकंड द मोशन। चल रहा है महोदय, मैं श्री ओम बिरला जी जो इस सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन देता हूं। श्री जीतन राम मांझी। अध्यक्ष महोदय, हम श्री ओम बिरला जी को जो मेंबर के हाउस हैं उनको स्पीकर के रूप में चुनने के लिए प्रस्ताव देता हूं। श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का माननीय जीतन राम मांझी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। श्री अमित शाह। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री नितिन जयराम गडकरी टू सेकंड द मोशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सभागृह आदरणीय अमित शाह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य है इनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री दत्तरे सुनील दत्तरे। आई सपोर्ट अ मोशन मूव बाय प्रताप राव दादो। श्री चिराग पासवान। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जी जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। श्री जयंत बासु मातारी टू सेकेंड द मोशन। आई राइज टू सेकेंड द मूव बाय श्री चिराग पासवान
दैट श्री ओम बिरला ए मेंबर ऑफ द हाउस बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ द हाउस थैंक्स श्री एच डी कुमारस्वामी आई प्रपोज श्री ओम बिरला जी फॉर द स्पीकर द इलेक्शन श्री बालेश्वरी बल्लभनेनी जी एज ए स्पीकर ऑफ दिस श्री किंजरपुर राममोहन नायडू माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ओम बिरला जी को जो इस सदस्य सदन के सदस्य हैं उनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाए ये प्रस्ताव में रखता हूं श्री लवु कृष्णा देवरायलू डॉक्टर इंदिरा हांग सुबा टू मूव द मोशन I rise to move the motion that Sri Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. Sri Fani Bhushan Chaudhary to second the motion. Honorable Speaker, sir, I second the motion. Srimati Anupriya Patel. Adhyaksh Mahoday, main prastav karti hu ki Sri Om Birla ji. जो इस सभा के सदस्य हैं उनको इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए श्री किशन पाल श्री कृष्ण पाल उदय मैं इसका समर्थन करता हूं